पांचवे का तीसरा सवाल आज आप देखेंगे। ये हमने शनिवार को थोड़ा सा कराया भी था, आप जो शुरू से करा रहे हैं, इसे पीएच मान लीजिए। जो भी ये है क्या मान लेंगे इसको? Yes. फिर इसका अचर पद देखेंगे क्या है। अचर पद है 20। फिर अचर पद के गुणनखंड देखेंगे। तो 20 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे जो 20 को पूरी तरह भाग कर सकते हैं? एक होगा, दो होगा, पांच होगा, चार भी होगा, दस भी होगा, और सब प्लस माइनस के भी होंगे, यानी प्लस वाले भी इसके गुणनखंड होंगे और माइनस वाले। तो अब हमें x के वो मान ढूंढने हैं इनमें से जिनको अगर हम बहुपद में रखें तो बहुपद शून्य बन जाए, और x के उन मानों को जो बहुपद को शून्य बना देते हैं वो शून्य कहलाते हैं, और शून्य को अगर x में से घटा दें तो वो बहुपद का गुणनखंड बन जाता है। ये सब पुरानी बातें हैं जो हम आपको बता चुके हैं। अब हम पी एक्स का मान निकालते हैं, यानी x की जगह माइनस एक रख के देखते हैं, क्योंकि x की जगह प्लस एक रखोगे तो कभी भी शून्य नहीं आएगा, है ना, क्योंकि सब प्लस के ऑलरेडी है। तो x की जगह माइनस एक रखोगे कितना आ गया भाई? ये माइनस एक, माइनस एक की घात दो प्लस होती है, तो फिर एक प्लस माइनस माइनस 32 प्लस 20, प्लस वाले जोड़ लो और माइनस वाले जोड़ लो, प्लस के पीछे प्लस का निशान और माइनस के नीचे पीछे माइनस का निशान। प्लस वाले ये दोनों हैं, उल्टे हाथ की तरफ का निशान माना जाता है, 13 और 20 और 32 और 1 और 33 में 33 गया 0, यानी पी माइनस 1 0 आ गया, यानी माइनस 1 पी एक्स का शून्य है, क्योंकि वो पी एक्स को शून्य बना रहा है, बहुपद को शून्य बना रहा है। तो मैंने क्या बताया, शून्य का निशान बदल के x के साथ लिख दो। शून्य का निशान क्या है और निशान बदल के लिखोगे तो क्या हो जाएगा? किसका गुणनखंड होगा? पी एक्स का। और ये ज्ञान कहां से मिलता है हमें? गुणनखंड। ये मैं लिखवा भी चुका हूँ आपको, और इसका अलग सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है, आप चाहो देख सकते हो। तो x प्लस 1 पी एक्स का गुणनखंड हो गया। तो मैंने एक नई विधि आपको बताई, वो थोड़ा जल्दी जल्दी बता दी थी पिछली बार। वो विधि ये थी कि भाई x की घात 3 प्लस 13 x की घात 2 प्लस 32 x प्लस 20 आपके पास आ चुका है कि इसका गुणनखंड है x। घात है इसके 3, तो x प्लस 1 को 3 बार लिख दिया, और सबसे पहला पद क्या है? x की घात 3। तो सबसे पहले पद से हम शुरू कर रहे हैं। यहां पे अगर मैं x की घात 2 लिख दूं तो x की घात 2 को 1 से गुणा करेंगे तो x की घात 3 आ गया। जब ब्रैकेट खोलेंगे हम तो x की घात 2 1 को भी गुणा करेगा, कितना आ गया? प्लस x की घात 2। और चाहिए कितना मुझे? 13 x की घात 2। तो एक x की घात 2 तो है मेरे पास यहाँ तक, कितने x की घात 2 चाहिए मुझे? 12 x की घात 2 चाहिए अगर 13 तक पहुंचना है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 12 x। तो 12 x की x से गुणा करोगे तो 12 x की घात 2 आ गए, और एक x की घात 2 पहले था, कितना हो गया? यानी यहाँ तक का हिसाब किताब पूरा। अब ये 12 x एक को गुणा करेगा, 12 x आ गया, आ गया, और मेरे पास कितने x है? 32। कितने x और चाहिए? 20। यहाँ लिख दो प्लस 20, 20 से इसे गुणा करेंगे तो 20x आ गया, है ना, तो 12x पहले थे, 12 और 20 आखिरी वाला अपने आप आएगा, देखो 20 ही कम 20। ये आपके उत्तर की जांच, ये एक नई विधि है, इसमें भाग करने से हम बच जाते हैं कि जो भी हमने गुणनखंड निकाला है उसे तीन बार लिख दीजिए और पहले पद से बनाना शुरू कर दीजिए, इसको उस संख्या से गुणा करेंगे जिससे पहला पद बन जाए, फिर ये इसको गुणा करके एक अलग एक्स्ट्रा नंबर आ गया, फिर दूसरे पद में देखेंगे क्या कमी रह गई। जैसे एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ 13 है तो 12 एक्स स्क्वायर की और जरूरत है, तो प्लस यहाँ 12 एक्स लिख दिया, क्योंकि 12 एक्स को गुणा करेगा, 12 एक्स स्क्वायर बन गया, दूसरे वाले पद का काम
तमाम कौन बचा 32, हमारे पास कितना आ रहा है 12, 12 में कितना जोड़ा 32 आ जाए 20, तो 20 लाने के लिए यहाँ प्लस 20 लिखा, तो 20 गुणा एक्स 20x और एक पुराना वाला 12 32, आखिर वाला आपका अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा 20 का 20। ये पहचान है कि आपने यहाँ तक का काम बिल्कुल ठीक किया। अब इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या बचा? अब 20 के ऐसे टुकड़े जो जुड़ के कितने आ जाएं? मध्य तीन पद आ गए ना मेरे पास, तीन पद में मध्य पद को दो भागों में विभाजित करके ही अमल कर सकते हैं। पिछली बार बताया था, इसको तो हल कर चुके हैं मैं एक्सप्रेस में। क्या बचा हमारे पास है? एक्स की घात 2 प्लस 12 की जगह ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे तो करते थे। अब क्योंकि छोटी ब्रैकेट अंदर आ गई इसलिए इस वाली को मैंने बड़ी ब्रैकेट में बदल दिया। अब प्लस का निशान है अचर पद का, बीच में प्लस लगा दिया, 10 प्लस 2, क्योंकि 10 दूनी 20 होते हैं, यानी 20 के ऐसे टुकड़े जो जुड़ते हैं मध्य पद आ जाए, यानी 12। मध्य पद की जगह ही ब्रैकेट लगाई जाती है, निशान अचर पद का लगाया जाता है। फिर अचर पद और एक्स की घात 2 के गुणांक 1 है, बीस का 20 के ऐसे टुकड़े जो ये वाला निशान लगा के मध्य पद को ले आए, समझ में आ रहा है? एक्स गुणा करेगा तो ये ब्रैकेट खुल जाएगी, 2-2 के जोड़े बना लो, एक्स प्लस 10 कॉमन ले लो, क्या बचेगा ब्रैकेट में? एक्स प्लस 2। अभी बड़े ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है, तो सब गुणा में आ गए, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 को इसके बाद लिख लो और एक्स प्लस 10 को इसके बाद, किसका मान है? तो ये मैंने आपको दो मेथड से सवाल बता दिया, जिसको जिस मेथड से समझ में आ गया है, जिसको भाग करना आसान लग रहा है वो भाग करने वाली विधि से कर लीजिए, और जिसको ऐसे करना आसान लग रहा है वो इस विधि से कर लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्नावली 2.5 पर पहुंचने से पहले हम सर्व समीकरण सीखेंगे। नाम से पता लग रहा है सर्व समीकरण, सबकी समीकरण, एक बराबर का निशान होगा इसमें। इसमें होता क्या है कि जैसे इस सवाल का उत्तर यह आया है, तो अगर यह सवाल किसी दूसरे सवाल में प्रयोग होगा तो, और अगर मुझे इसका उत्तर याद है, मतलब इसका प्रयोग हो रहा है उसमें, सवाल अलग है वो इसका, तो मैं इस सवाल के उत्तर को एक सूत्र की तरह याद रखूंगा और इसका मान ये मैं जहां भी चाहूं वहां पे लगाऊंगा, ये हल करने की जरूरत उसी को हम कहते हैं सब सब। ऐसे सवाल जिनका प्रश्न और उत्तर आपको याद रखना होता है और जिनका प्रयोग अन्य सवालों में होता है, तो सबसे पहले जो सर्व समीकरण है वो आप सब बचपन में पढ़ के आए हो, x प्लस वाई की घात 2 बराबर एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2 एक्स, यानी ब्रैकेट में अगर दो संख्याएं लिखी हैं और उस पर ऊपर वर्ग लग रहा है तो ये वर्ग खोलने का तरीका होता है, पहली संख्या की घात 2 प्लस दूसरी संख्या की घात 2 प्लस दुगना दोनों की संख्याओं का गुणनफल, और यह सूत्र उल्टा भी प्रयोग होता है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कहीं अगर पहली संख्या एक संख्या की घात 2 दूसरी संख्या की घात 2 प्लस दुगना पहली संख्या गुणा दूसरा संख्या, यानी जिनका वर्ग हो रहा है उन संख्याओं के गुणनफल का दुगना अगर दिया है तो हम लिख देते हैं उसे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। अब हम इस पर विश्वास कैसे करें, यह भी तो बात है, चलो इसको प्रूव करते हैं। प्रूव मतलब हम इसे सिद्ध करते हैं कि भाई ये सूत्र आया कहां से, क्या मान है हमारे पास x प्लस y की घात 2 का, मुझे मान निकाल, घात 2 कब लगी होगी? दो बार, जब x प्लस y 2 बार गुणा हो रहा होगा तभी तो लगी होगी, वरना क्यों लगी? ब्रैकेट कैसे खोलते हैं, पहली ब्रैकेट के पहले पद को दूसरी ब्रैकेट के दोनों पद से गुणा कर दीजिए,
एक्स कितना एक्स से प्लस एक्स को वाई से एक्स का काम खत्म। अब वाई के दोनों से गुणा कर दो वाई एक्स प्लस एक्स की ढाल दो प्लस एक्स वाई। वाई एक्स को एक्स वाई लिख सकते हो क्योंकि गुणा में क्रम का कोई भी महत्व नहीं होता है। दो गुणा तीन छः, तीन गुणा दो छः, तो वाई एक्स को मैंने एक्स वाई लिख दिया। इनके बीच में गुणा का निशान माना जाएगा, कोई निशान नहीं है, शॉर्ट लगा सकते हो उसकी। तो एक्स की घात दो लिख लो, जोड़ के क्रम बदल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी तुम्हें पता होगा। प्लस एक्स वाई दो बार है तो एक्स वाई बन गया सूत्र। यस सर, कोई दिक्कत आई इसमें? नो सर। इसी प्रकार दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र है आपके पास, वो आप खुद सिद्ध करोगे। एक्स माइनस वाई की घात दो, दोनों को समान रहते हैं, एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो, दोनों में प्लस आता है, ठीक है। जब दोनों को दो से गुणा करके दोनों संख्याओं को लिखेंगे तो निशान वही आता है जो यहाँ दर्ज है। कोई दिक्कत इसमें? ये खुद सिद्ध कर लोगे, एक्स माइनस वाई गुणा एक्स माइनस वाई, ठीक है। तीसरा सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की घात दो माइनस वाई की घात, ये होता है एक्स माइनस वाई गुणा एक्स। इसको भी सिद्ध करके दिखाते हैं, ये या तो ऐसे लिखते हैं इसको या ऐसे भी प्रयोग होता है। यानी अगर ब्रैकेट में दो संख्याएं जुड़ रही हैं और गुणा में उन्हीं के वही दो संख्याएं घट रही हैं तो इसका उत्तर आएगा पहली संख्या का वर्ग माइनस संख्या। कैसे आएगा वो अभी देखते हैं, कोई भी चीज हवा में नहीं आती है मैथ में। प्रूफ देखते हैं, यहां से इसी को लेकर चलते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का मान निकाल के देखते हैं, ये एक सवाल हो गया। अब इसका जो उत्तर आ रहा है ये, इसको हम डायरेक्ट, ये तो मैं हल करके दिखा रहा हूं, ये बीच के हल करने वाले पदों को हम गायब कर देंगे और डायरेक्ट हम इसको एक सूत्र की तरह प्रयोग करेंगे। जैसे एक्स लिखा है मान लो, तो एक्स की जगह तोता प्लस चूहा गुणा तोता माइनस चूहा बराबर तोते का वर्ग माइनस। कहने का मतलब आप इन्हें एक्स वाई कर करके याद मत करिए, ऐसे याद करो कि एक ब्रैकेट में दो संख्याएं जुड़ रही हैं गुणा फिर दो संख्याएं घट रही हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्तर क्या आता है? पहली संख्या का वर्ग माइनस ऐसे करके याद। देखो इसका बाहर मत देखो भाई, इधर देखो, एक्स की गुणा करो पहले, एक्स से एक्स गुणा एक्स, एक्स की घात दो, फिर एक्स की गुणा वाई से करो तो प्लस माइनस वाई एक्स, इसकी गुणा इससे कर लो प्लस वाई एक्स माइनस वाई की गुणा वाई से करोगे ये प्लस और ये माइनस दोनों एक दूसरे से क्या आ गया आपके पास? एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई बराबर एक्स की घात दो माइनस वाई। ये तो कट जाएंगे, ये आपके पास एक सूत्र, ये उल्टा भी प्रयोग होगा और सीधा भी। कभी दो संख्याओं का वर्ग लिखाओ, ठीक है, दो संख्याओं की जगह ये दो पंखे, एक पंखा एक बल्ब, पंखे का वर्ग माइनस बल्ब का वर्ग बराबर पंखा प्लस बल्ब गुणा पंखा माइनस। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद अगला सूत्र। तो एक सूत्र ये बता दिया हमने, सूत्र को हमेशा हम डिब्बे में बंद करके याद रखेंगे, एक तो ये हो गया, एक ये सूत्र है और एक ये है, ये उल्टा भी यूज होता है ना, इसका उल्टा भी यूज होता है, एक ये है इसका भी उल्टा यूज होता है और एक ये या। ठीक है, अब अगला सूत्र है सूत्र नंबर चार, एक्स प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी, यानी दो ब्रैकेट में पहली वाली संख्या सेम होगी और बाद वाली दोनों बदली हुई होगी।
है ना, पहली ब्रैकेट में वृद्धि हुई है, दूसरी ब्रैकेट में दोनों में अलग अलग है, एक्स में जुड़ा। इसका उत्तर आता है एक्स की घात 2 प्लस जगह कमेंट में नीचे लिखा है, आप उसके आगे लिखो। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। सूत्र तो यही है, सूत्र तो यही याद करना है। प्रूफ देखिए, x प्लस a गुणा x प्लस क्या करें, गुणा करेंगे पहले x की x से गुणा, फिर x की गुणा b से, फिर a की गुणा x से, फिर a की गुणा b से, a गुणा b से। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, क्या बचा a प्लस b प्लस x कॉमन आ गया दोनों में, ब्रैकेट में b प्लस a बचेगा, उसे मैं a प्लस b भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ये सूत्र आ गया, एक संख्या प्लस दूसरी संख्या, एक संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर संख्या का वर्ग प्लस दोनों संख्याओं का योगफल दूसरी और तीसरी का गुणा पहली संख्या गुणा जो बाद में जुड़ रही है उनका गुण। ये आपका इसमें यहां माइनस होगा तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस होगा तो यहां माइनस। कैसे इनका प्रयोग होगा सवालों का देखिए, प्रश्नावली में देखते हैं, प्रश्नावली 2.5। इसको प्रश्नावली लिख दिया, पहले का पहला x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 का मान, x प्लस 10 का मान इसमें और कैसे करना है, सर्व समीकरणों का प्रयोग, उपयुक्त जो भी इसमें लग रही है, बता कौन सी सर्व समीकरण लग रही है, इसमें a की जगह कितना है, पहले तो सर्व समीकरण लिखो, हमेशा पहले सर्व समीकरण लिखा करो जो प्रयोग हो रही है। उसके बाद सर्व समीकरण में देखो कौन कौन किस किस चीज की जगह आ रहा है, x की जगह तो x ही आ रहा है, और a की जगह कितना आ रहा है, 4, और b की जगह कितना आ रहा है, बस सर्व समीकरण में a की जगह 4 लिख दो और b की जगह 10, x की घात 2 प्लस 4 प्लस 10 x प्लस 4 गुना कितना आ रहा है, 10 और 4 मुश्किल है क्या निकल आया मान, ये मान ऐसे भी आ सकता था, पहले मैं x को इससे गुणा करूं फिर इससे करूं फिर इससे करूं फिर इससे करूं, और आप अगर देखें सर्व समीकरण में क्या किया, यही तो किया था, लेकिन हमने प्रश्न और उत्तर याद कर लिया तो बीच का जो हल कैलकुलेशन थी वो करने से हम बच गए, यानी सर्व समीकरण शॉर्टकट है आंसर तक पहुंचने के लिए, सर्व समीकरण क्या है शॉर्टकट। अब इस सर्व समीकरण का अगर प्रयोग करेंगे मान लो इस वाले का, तो फिर ये थोड़ी करके दिखाएंगे, ये लाइनें बच जाएंगी, खाली इतनी सी लाइनें बचाने के लिए हम सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हैं, सीधे प्रश्न से सीधे उत्तर, और अगर ये लाइनें हम लिख ले सर्व समीकरणों की कोई आवश्यकता नहीं, समझ में आ रही बात, ये भी समझना पड़ेगा सर्व समीकरणों को हम क्यों प्रयोग करते हैं, खाली जब हम किसी सर्व समीकरण का मतलब है कि स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई ये क्वेश्चन अगर कहीं आएगा तो इसका उत्तर ये वाला हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, तो ये प्रश्न है एक तरह से, अब आप इनको प्रूफ करके पहले याद करिए फिर इनको हम सवालों में प्रयोग। हाँ